हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंडियन ट्विंस में हमारे आगे चैनल में स्वागत है। और बताइए कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ भी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। यस, ये बहन की फरमाइश है मेरी कि दीदी जाने से पहले मुझे डोसा खिला दो। तो मैंने सोचा चलो आज मसाला डोसा बना देते हैं। तो बस चटनी के लिए मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, और इसमें मैं अदरक और लहसुन भी डाल दी हूँ। और इसे मैं ज़रा सा भून लूँगी और उसके बाद फिर इसका हम लोग बनाएँगे चटनी। तो यहाँ पे मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फिर उसी पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, और अब यहाँ पे मसाला डोसा के लिए हम लोग इसमें आलू को फ्राई करेंगे। तो ऑयल डाल दिया है मैंने, ऑयल गरम हो गई है। तो मैं बस इसमें राई थोड़ा सा डाल दी हूँ तड़का के लिए, और यहाँ पे हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। मेरे पास करी लिप्स नहीं था, मीन्स करी पत्ता नहीं था, तो मैं इसमें नहीं डाली हूँ। और अब इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। तो इसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज को, और जैसे ही थोड़ा प्याज फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी थोड़ा सा कलर के लिए, क्योंकि चोखा फ्राई कर रहे हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा पीस भी डाल दे रही हूँ। मेरे पास फ्रोज़न पीस पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा पीस भी डाल देते हैं। और इन सबको मैंने साथ में भून लेना है, तो मैं ये सबको साथ में फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। हल्दी तो हम लोग कलर के लिए डालते हैं, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया कि चलो टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और थोड़ी सी मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जैसे जीरा पाउडर हो गया। और दूसरी साइड मैंने कुकर रख दिया हुआ है, प्रेशर कुकर, सांभर बनाने के लिए। तो यहाँ पे उधर साइड आके खुशबू ने चाय भी रख दिया, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में दो बार चाय हो ही जाता है जब ऐसा कभी मन करता है कि हाँ चलो चाय पीते हैं। तो और फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। तो अब इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, मसाले भुंग जाएंगे, फिर इसमें हम लोग डाल देंगे आलू। तो दूसरी साइड में सांभर भी बना ले रही हूँ ताकि साथ साथ हो जाए। पतिदेव को ऑफिस भी जानी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि वो भी ब्रेकफास्ट में डोसा खा के चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मसाले और प्याज भून गए हैं, तो मैंने आलू बॉईल करके पहले से रख दिया हुआ था। तो बस मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ, और फिर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड सांभर के लिए मैंने सब्जियाँ भी डाल दी हुई है। तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ सांभर की रेसिपी शेयर की हुई हूँ, तो इसमें मैं डिटेल सांभर की रेसिपी नहीं दे रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं चोखा बना रही हूँ। तो चोखा का आज एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यस, जैसे ये लोग बाहर में जो डोसा बनाते हैं, तो उन लोगों का जो जो फीलिंग्स वो लोग तैयार करते हैं ना, वो बहुत ही चिपचिपा रहता है। ये मुझे पहले नहीं पता था, बट मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी इसमें ज़रा सा पानी डाल दो तो ये फिर फैलने लगेगा। क्योंकि पहले मैं डालती थी ना, जब ये तैयार करती थी मसाला डोसे के लिए, तो बिल्कुल वैसा नहीं होता था। मैं सोचती थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है कि मार्केट जैसा इसमें मसाले मीन्स फैलते ही नहीं हैं डोसे पे। तो बस उसने बताया दीदी इसमें ज़रा सा पानी डाल दो तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा। और फिर मैंने वैसा किया, तो वाकई वैसे ही चोखा लग रहा था बिल्कुल, जो मसाला मैं तैयार की थी। और यहाँ पे बस मैं अभी चटनी बना ले रही हूँ। तो मूंगफली के दाने, हरी मिर्च, और मैंने सब साथ में भून लिया था। तो बस अभी इसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च मैंने ऊपर से डाल दिया है, और अभी नमक डाल दे रही हूँ, और फिर हमारी चटनी हो जाएगी रेडी। तो बस मसाला तैयार हो गया है, यहाँ पर सांभर मैं बना रही हूँ, और चटनी भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो फटाफट सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब इनको ऑफिस जाना होता है ना और ये सब बनाओ, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग जाता है। मैंने सोचा कि चलो वीकेंड में बना देंगे, लेकिन खुशबू के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उसके जाने में ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चली भी जाएगी, फिर मैं उसे डोसा भी नहीं बना के खिला पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देते हैं। और अभी इसमें मसाले में डाल दी हूँ सांभर में, और यहाँ पर अभी अदरक और लहसुन भी डाल दी। तो इसे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद फिर मैं जो दाल बना के रखी हूँ फिर इसमें डाल देंगे। और इसमें अभी सांभर मसाला भी डालना है, तो मैं अभी इसमें सांभर मसाला डालूँगी, और फिर इमली जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है।
तो बस यहाँ पे मसाले भून गए हैं, मैंने इसमें दाल और पानी भी डाल दिया हुआ है। अब लीड बंद कर देंगे और सांभर को पका लेंगे। और यहाँ हमारी बैटर है डोसा के लिए, तो इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि थोड़ा सा इसका कंसिस्टेंसी बैलेंस हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था ये। और उसके बाद फिर हम लोग डोसा तैयार कर लेंगे और फिर सबको ब्रेकफास्ट में करा दूँगी। हाँ, सबसे पहले पतिदेव को, क्योंकि उन्हें ऑफिस जानी है, उन्हें लेट भी हो रहा था, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये सब बनाने में। तो बस यहाँ पे मैं डोसा सेक ले रही हूँ और यहाँ पे हमारा मसाला डोसा रेडी हो जाएगा और फिर हमारी बहन, मेरी बहन की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। तो वो अगर चली जाती, अगर मैं नहीं उसे बना के खिला पाती, तो एक ज़रा सब सोच रह जाता कि अरे मैंने खिलाया नहीं उसे बना के डोसा वगैरह। देखते हुए खुशबू मैडम ब्रेकफास्ट कर रही है, मीन्स खत्म हो चुका है इनका। और जस्ट मैं अपना अभी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। ये मेरा बुक। हाँ, श्रेयांश यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे शुगु भी आ गई। लोगों को बुखार है। हाँ, शुगु को रात में फीवर आ गया था और श्रेयांश की भी अभी अभी तबीयत ठीक हुई है और शुगु को फिर फीवर पकड़ लिया, तो इसलिए इन लोगों को भी पूरा रेस्ट देना है। और ठीक है, परेशान नहीं करना मम्मा को और इधर उधर ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है, रेस्ट करना है। चलिए बैठ। और सुबह अभी शाम में सो गई है क्योंकि उसे फीवर आया हुआ था, मैंने उसे फिर मेडिसिन दिया तो वो थोड़ी देर तो सो ही नहीं रही थी। बोली नहीं मम्मा मैं सोऊंगी नहीं, फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी। वो इस वजह से आजकल दिन में सोना ही बंद कर दी है। तो मैं अभी जाऊंगी दीप जलाने के लिए और दिन में मैं पूरे दिन शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही बिजी मेरा शेड्यूल रहा। वीडियो भी एडिट करना था क्योंकि रात में मैं कर नहीं पाई थी और उसके बाद सुगु का तबीयत भी सही नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा दिन में मैं कैमरा उठा ही नहीं पाई। सो अभी चलते हैं, दीप जला लेती हूँ और फिर आज पतिदेव को भी आने में लेट हो जाएगा ऑफिस से, क्योंकि अभी 7 बजने जा रहा है और अभी तक वो आए नहीं है। तो चलिए दीप जला लेती हूँ और फिर बाकी का बात आपसे करते हैं। चले पूजा करने। और यहाँ पे दीप वगैरह जलाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और दूध बॉयल करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि शाम में बच्चों को भी मिल्क देना है और चाय भी बनानी है। तो एक साइड मैं दूध रख दूँगी बॉयल करने के लिए और दूसरी साइड में चाय रख दूँगी क्योंकि अभी हम सब चाय लेंगे। पतिदेव ऑफिस से आ गए हैं और आज उन्हें आने में बहुत ही लेट हो गया है, इस वजह से चाय भी आज हमारी लेट ही बन रही है। और दूध भी बॉयल हो जाएगा तो फिर बच्चों को दूध दे देंगे। और
गया है, दाल हो गया, सांभर, सब्जी, चटनी, चावल, और यही है रात का हमारा आज का डिनर। डिनर कर लेते हैं और फिर आपसे मैं बातें करती हूँ, तो चलते हैं जल्दी जल्दी डिनर कर लें। सबका खाना वाना हो गया है, सभी लोग सो गए हैं और बच्चों का थोड़ा सब तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो बस मैं सुबह को सुला रही थी। आने के बाद जस्ट मैं अभी साड़ी चेंज की हूँ और मैं भी अभी जा रही हूँ सोने। सो चलिए फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।